हेलो एवरीवन दिस इज लता सिंह फ्रॉम श्रद्धा स्मार्ट एजुकेशन नाउ वी विल कंप्लीट वर्कशीट फोर फ्रॉम क्लास ग्रामर क्लाउड बुक सो लेट्स बिगिन हियर इज द वर्कशीट क्वेश्चन नंबर ए यूज योर इमेजिनेशन एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस तो यहाँ आपको यहाँ पर आपको अपनी इमेजिनेशन को यूज करना है और ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं ठीक है इनको कंप्लीट करना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तो ये वाली एक्सरसाइज में आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कंप्लीट करने हैं चलिए करते हैं स्टार्ट तो फर्स्ट वन है आपका बाय द टाइम इट स्टार्ट्स रेनिंग आई सेल हैव रीच्ड होम सेकेंड करोगे आई सेल हैव विजिटेड फिफ्टी नेशंस बिफोर आई बिकम ट्वेंटी सिक्स यर्स ओल्ड थर्ड है द एम्प्लॉयिज़ विल हैव गॉट द बोनस बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ठीक है अगर आपने फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर इंडेफिनेट जो भी टेंसेज हैं उनकी वीडियोज़ नहीं देखी तो पहले वीडियो सीन करें उसके बाद आप ईजीली इन्हें कर लेंगे फोर्थ देखते हैं बिफोर द मैच स्टार्ट्स रजत विल हैव रीच द इस्टेडियम ओके तो यहाँ पे रजत विल हैव रीच द स्टेडियम फिफ्थ वाला करेंगे वाई द टाइम ही कम्स अप विद न्यू आइडिया वी सेल आएगा, ठीक है बी वाली एक्सरसाइज देखेंगे। इसमें आपको करना है चेंज ठीक है चेंज द फॉलोइंग इन टू पैसे में आपको चेंज करने हैं तो फर्स्ट है हमारा गजेंद्र ईट्स अ मैंगो इसको कैसे करेंगे अ मैंगो इज ईटन बाय गजेंद्र ओके okay, अब करेंगे सेकेंड वाला तो हमने यहाँ पे कैसे करना है आपको ही पता होगा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ठीक है जब हम पैसिव बॉयज करते हैं एक्टिव से पैसिव में पैसिव में तो चलो सेकेंड करते हैं द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स तो इसको करेंगे द प्लांट्स आर बींग आर बींग वाटर्ड बाय द गार्डनर ये मैंने आपको बताया था कि जहां पर इज वाटरिंग ठीक है मतलब जो कंटिन्यूस टेंसेज में होते हैं तो वहाँ बींग का यूज हो जाता है ठीक है हेल्पिंग वर्क के बाद अब आगे करेंगे थर्ड द टीचर हैज़ डिलीवर्ड आपीच तो यहाँ आप करोगे आपीच हैज बीन डिलीवर्ड बाय द टीचर इसी तरह से फोर्थ वाला करेंगे द साइंटिस्ट अचीव अ रेयर फीट तो यहाँ करोगे आप अ रेयर फीट वॉज अचीव बाय द साइंटिस्ट फिफ्थ वाला करते हैं गर्ल्स वर मेकिंग पोस्टर्स तो पोस्टर्स वर बींग मेड बाय गर्ल्स सिक्स राजेश लास्ट नाइट सो अ सोंग हैड बीन ंग बाय राजेश लास्ट नाइट इनको हम एकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस चेंज करते हैं ठीक है द टीचर विल टीच मी अ लेसन आपको एक्टिव पैसे भी मैंने करा दिए हैं तो आप वीडियो वॉच कर लें उस वीडियो से आप समझ लें पहले फिर आप कर लेंगे एक्सरसाइज को कम्प्लीट आई विल बी टॉट अ लेसन बाय द टीचर एड करेंगे माई मदर विल हैव क्लीन द फ्लोर द फ्लोर विल हैव बीन क्लींड बाय माई मदर नाइन देखेंगे द डायरेक्टर गेव मी अ प्राइज सो आई वॉज़ गिवेन अ प्राइज बाय द डायरेक्टर टेन करेंगे माई कज़न गिफ्टेड मी ऑन माई बर्थडे सो आई वॉज गिफ्टेड बाय माई कज़न ऑन माई बर्थडे चलिए सी वाली एक्सरसाइज करते हैं अब इसमें आपको चेंज करने हैं सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच ओके तो इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है जैसे कि फर्स्ट है ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मॉर्निंग सोज द डे ओके तो इसको करोगे आप चेंज ही सैड दैट कॉमा इनवर्टेड कॉमा हट जाएंगे दैट से कनेक्ट हो जाएगा मॉर्निंग सोज द डे सेकेंड आई सेट टू हिम वॉट डू यू वॉन्ट तो इसको आप करोगे आई आस्क्ड हिम वॉट ही वॉन्टेड ओके नेक्स्ट थर्ड ही सेट टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कैन यू सॉल्व दिस पेपर क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज तो इसको करेंगे ही आस्क मी एफ आई कोड सॉल्व दैट पेपर ही आस्क मी इफ आई कोड सॉल्व दैट पेपर चलो नेक्स्ट करते हैं फोर्थ सी सैट टू मी कॉमाई इन्वाइटेड कॉमा डू दिस वर्क इमीडिएटली तो इसको आप करोगे सी ऑर्डर्ड मी ओके सी ऑर्डर्ड मी टू डू दैट वर्क इमीडिएटली टू डू दैट वर्क इमीडिएटली नेक्स्ट फिफ्थ आता है हमारा आकंचा सेट कॉमाई इन्वाइटेड कॉमा आई गो टू मार्केट तो आकाचा सेट दैट ट सिक्स मेगना सैड कौटेड कौ द गेस्ट आर वेटिंग इन दरिडोर तो मेगना सैड दैट द गेस्ट वर वेटिंग इन दरिडोर आगे करते हैं सेवन सेवन है अंजनी सैड एलास्ट ही इज नो मोर ठीक है तो एलास्ट किया जा रहा है मतलब कुछ एक्सक्लेम्ड uh, किया जा रहा है आश्चर्य जताया जा रहा है तो वहाँ पे हम करेंगे अंजनी एक्सक्लेम्ड विद सोरो अंजनी कर देना ठीक है यहाँ पे अंजलि कर दिया मैंने अंजनी कर देना आप अंजनी एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही वॉज नो मोर क्योंकि दुख के साथ वो कर रही है एट करेंगे द टीचर सेट टू टॉम डू यू वॉन्ट अ न्यू बुक द टीचर आस्क्ड टॉम इफ़ ही वॉन्टेड अ न्यू बुक नाइन करेंगे रिया सैड टू किया आई विजिटेड टू द रेड फोर्ट लास्ट सनडे तो रिया टोल्ड किया दैट सी हैड विजिटेड द रेड फोर्ट लास्ट सनडे टेन ही सैड कॉमा इनवाइटेड कॉमा आई विल बाय अव कार तो यहाँ करेंगे आप ही सैड दैट ही वुड बाय अव कार आगे करते हैं एक्सरसाइज डी री राइट द गिवेन पैराग्राफ यूजिंग कैपिटल लेटर्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स वेर एवर नेसेसरी ठीक है तो आपको क्या करना है ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसी को दोबारा से रीराइट करना है ठीक है स्पेस जो दिया गया है उसमें और यहाँ पे आपको क्या करना है पंक्चुएशन मार्क्स लगाने और जहाँ कैपिटल लेटर आना है वहाँ कैपिटल लेटर ओके okay. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे टी स्मॉल लिखा हुआ है देयर में तो यहाँ जब फर्स्ट लेटर होता है तो वो कैपिटल ही होता है तो यहाँ कैपिटल टी बनाएंगे देयर वॉज अ लॉइन लॉइन के बाद हमें फुल स्टॉप लगाना है यहाँ फुल स्टॉप नहीं है ही वॉज फिर फुल स्टॉप के बाद कैपिटल लेटर आता है ही वॉज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट फॉरेस्ट के बाद फुल स्टॉप लगाना है फिर उसके बाद कैपिटल लेटर आएगा ही वॉज बिग फिर कॉमा स्ट्रॉन्ग एंड फायरेंस मतलब खूंखार फिर फुल स्टॉप लग जाएगा फिर आएगा ऑल द अदर एनिमल्स रेस्पेक्टेड हिम वेरी मच फुल स्टॉप हो जाएगा फिर टी कैपिटल हो जाएगा दे ब्रॉट गिफ्ट फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द फॉरेस्ट फिर फुल स्टॉप हो जाएगा फिर टी कैपिटल हो जाएगा दे वर ऑल्सो अफ्रेड ऑफ हिम फिर फुल स्टॉप हो जाएगा और यहाँ इन्वेटेड कॉमा से हम स्टार्ट करेंगे अ किंग मस्ट हैव मिनिस्टर्स टू हेल्प हिम फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में क्लोज द लॉन्ड थॉट्स वन डे एंड ही सेंट फॉर द फॉक्स तो ये हमारा हमारी जो वर्क वर्कशीट थी फोर वाली वो कंप्लीट हो चुकी है इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर सब्सक्राइब कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन थैंक यू फ्रेंड्स